हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर दिस वीडियो। आज के इस टॉपिक पर मैं कवर करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग से आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस। सो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग आज का इंडिया में बहुत ट्रेंड चल रहा है। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इसका स्कोप कितना है, आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं, तो यही डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं सैयद रमी, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि SEO से आप कितना अर्न कर सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग से आप कितना अर्न कर सकते हैं। वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप फ्रेशर्स हैं या फिर आप 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, या फिर आपको ज़्यादा अनुभव है, आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं बट उसका अपॉर्चुनिटी या उस स्किल से आप अच्छा अर्न नहीं कर पाए तो वो कैसे करें, और चौथा जो है कि ऑनलाइन अर्निंग से आप कितना, सेल्फ अर्निंग से आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला स्टेप्स है कि पहला जो क्राइटेरिया है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, आप फ्रेशर हैं और या फिर आपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस है वो मैं जिसको बेस मानता हूँ वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। एंड जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग का वो आपको है ऑनलाइन ट्रैफिक, ऑनलाइन विजिटर्स आप कितना गेन कर सकते हैं या फिर आप कितना गेन करा सकते हैं पर्टिकुलर आपके या जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं या जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं उस पर आप कितना विजिटर्स ला सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन SEO कोर्स कर सकते हैं या ऑफलाइन SEO कोर्स कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट चॉइस करना आपके ऊपर है, आपको फाइंड करना रहेगा, आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ लर्नर हैं और आपका स्टडी अच्छा है और थोड़ा टैलेंटेड है तो आप ये चीज़ फ्री में भी सीख सकते हैं। फ्री के मीडियम से यूट्यूब है, यूट्यूब के अलावा बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, आप वहाँ से सेल्फ लर्निंग के थ्रू SEO भी कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, अगर आप SEO सीख लिए और आप अब सोचते हैं कि आप कितना कमाएं, या फिर आपने SEO कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग कर ली, तो आपका जो इनिशियल लेवल स्टेज जो बनता है वो बहुत ही बेसिक है, 0 लेवल का है। आप SEO सीखने के बाद इमीडिएटली अर्न नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए किसी भी कंपनी में एज ए इंटर्नशिप। आप ज्वाइन कर लीजिए, इंटर्नशिप आपको जितने भी महीने का मिलता है, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने का, आप जितना एक्सपीरियंस इनिशियल स्टेज में ले लेंगे वही आपका बेस बनेगा, वही आपको आगे ले जाने में कामयाब करेगा, वही आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो दोस्तों, पहला स्टेप जो था कि आप अगर कोर्स सीख लेते हैं और उसके बाद आप 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 6 मंथ का इंटर्नशिप ले लेते हैं, जो आपका कोर एक्सपीरियंस बनता है कि SEO कैसे वर्क करता है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या वर्क होता है, सो वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 3,000 to 5,000 रुपीज़ के आसपास ही अर्न कर पाते हैं आप, या कुछ कंपनियाँ इंटर्नशिप पर आपको कुछ भी नहीं देती, तो यानी आपका इनिशियल डेज में आप कुछ भी नहीं कमा सकते। हाँ, बस ये डेफिनेटली ज़रूर है, अगर आपने 6 मंथ तक अच्छा हार्डवर्क किया, इंटर्नशिप किया या सेल्फ डोमेन पर ही आप खुद के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो 6 मंथ के बाद आप डेफिनेटली 5,000 से 15,000 रुपये तक आराम से कमा सकते हैं। ये है जो कि 0 एक्सपीरियंस के हिसाब से है। आपने कोर्स किया, इंटर्नशिप किया या सेल्फ लर्निंग किया, सेल्फ प्रैक्टिस किया, सो आपको विद इन 1 ईयर्स के अंदर के ड्यूरेशन में आपको 5,000 से 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, यही इतना ही आप कमा सकते हैं। वो भी डिपेंड्स है कि आप किस सिटी में रहते हैं, किस कंपनी में आपको इंटर्नशिप मिलता है ये, बट डेफिनेटली अगर आपका ये लेवल क्रॉस हो जाता है और आप अच्छे से इंटर्नशिप कर लेते हैं और आपके पास 1 ईयर से 3 ईयर्स या 2 ईयर्स 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको डेफिनेटली कोई भी कंपनी आपको 20,000 से 30,000 रुपये महीने का जॉब मंथली कमा सकते हैं आप जॉब के थ्रू। अगर यही चीज़ में आप करें कि आप सेल्फ अर्निंग करना चाहते हैं, आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड भी कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली फुल टाइम आपके ऑनलाइन अर्निंग पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई लिमिट नहीं है, कोई 20 से 30 नहीं, यहाँ पर आप 10,000 भी कमा सकते हैं और 50,000 भी कमा सकते हैं। डिपेंड्स के आपका नॉलेज, स्किल आपका कितना है और आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है आपके
पर्टिकुलर डोमेन्स पर। सो दोस्तों ये तो रहा दो चीजें, इसके नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको 3 ईयर से भी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप किसी कंपनी में करते हैं तो आप SEO ही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के और दूसरे जितने भी पैरामीटर हैं उन सबका भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आप इजीली 50,000 रुपये महीने तक का जॉब SEO के थ्रू कमा सकते हैं, SEO के थ्रू आपको मिल सकता है। और अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सेल्फ अर्निंग पे क्यों नहीं ध्यान देते और आप इजीली 50,000 रुपये आप पार्ट टाइम में उससे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे 3 स्टेप्स हो गए, फ्रेशर, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। अभी आता है कि आपको इससे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है या नहीं है और आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं और सेल्फ अर्निंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन से आप SEO के थ्रू या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कितना अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सेल्फ अर्निंग का ऑप्शन जो है इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी पैमाना नहीं है। इसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना ऊपर जाएंगे और जितना आप उसमें रिजल्ट दिखाएंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं आप, उसमें आप एडसेंस लगाइए, सबसे मोर सिक्योर और मोर रिलायबल एंड वाइडली यूज होने वाला है गूगल एडसेंस। और दूसरा है कि आप एफिलेटेड मार्केटिंग के थ्रू आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं और जहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं आती। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऑनलाइन अर्निंग में लाखों लाखों रुपए महीने का कमाते हैं, इवन वीकली और डेली भी लाखों रुपए कमाते हैं। तो आप ऑनलाइन अर्निंग में अभी से लग जाइए, उस पर काम शुरू करिए और आगे आने वाले टाइम में इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग कैसे करें। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट्स में लिख दिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।